चलो विश करते, मैं कितनी एक्साइटेड लग रही हूँ ना। हाँ मैं हो जाती हूँ। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू। इसको लग रहा है इसका हैप्पी बर्थडे माइक का। Hey guys, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी हो रहा है, आज है संडे एंड अभी हो रहा है टाइम 4। मैं यहाँ पे बालकनी में बैठी हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या पर्दा की तरह आपको लग रहा होगा। नहीं, माही एंड मैं बैठ के टेंट हाउस करके खेल रहे थे। उसका ना एक टेंट हाउस है, ठीक है, मैं सोच रही थी उसके लिए मंगवाओ, लेकिन कुछ ऑर्डर हो ही नहीं रहा है। बहुत ही कम प्राइस में मिल जाता है ऑनलाइन में। अगर किसी का आ रहा है तो मंगवा लो अपने बच्चों के लिए। मैं तो मंगवाना चाहती थी, पिंक कलर का बारबी वाला आता है, क्योंकि मुझे ही बड़ा शौक है। तो मैं यहाँ पे बैठ के उसके साथ खेल रही थी आज, चद्दर बिछा के। एक पौधा आ गया, एक और आया है, प्लांट हमारा आ गया, तो उसको क्रोटन वाला वो आया है, फूल फ्लावर का हमने मंगवाया है, आएगा शायद। अभी थोड़ा डिलीवरी वो लोग दे रहे हैं, नहीं तो यार कुछ भी नहीं आता था बीच में, पता अभी आ रहा है थोड़ा बहुत। एंड बर्थडे है, कुछ स्पेशल प्लान किया है, अभी देखते हैं, मंदिर को पता नहीं है। आज रात को 12 बजे का स्पेशल करेंगे, होपफुली उनको 12 बजे तक पता ना चले। अगर पता चल गया तो खुश हो जाएगा सब कुछ। एंड ये वाला जो टॉप है, उससे पहले आप लोग पूछो कमेंट सेक्शन में, मैं बता देती हूँ। ये एक कॉटन का टॉप मैंने पहना है, लाइट येलो कलर होता है ना, वो वाला कलर है। एंड यहाँ पे जो क्या बोलते हैं उसको, थ्रेड से ना उसका से स्टिच किया। मैंने जो ब्लाउज कलेक्शन शेयर किया था उसमें कुछ चिप्स चिप्स कर रही थी, तो सब लोग इतना हंस रहे थे कि मोना हम लोग समझ गए, चिप्स चिप्स हम लोग समझ गए। तो ये वाला वाइट कलर के कपड़े, ये ना धागे से ना थ्रेड से इसको फ्लावर बनाया हुआ है। ज़्यादा नहीं, मैक्स से मैंने लिया है 499 रुपीज़ से, सिर्फ 499। हाँ 499 रुपीज़ में कॉटन का एकदम से। एंड बहुत ही अच्छा है, मुझे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था। हाँ इतना अच्छा लग, पहली बार पहना है, बर्थडे महेंद्र का है एंड मैंने नया ड्रेस पहना है आज। तो ये वाला, अगर मैक्स किसी का है, कोई अभी तो जा नहीं सकते, ऑनलाइन आई थिंक आएगा। अगर किसी को चाहिए होगा तो लिंक मत मांगना, मेरे पास नहीं है, मैं जाके मॉल से ही लेकर आई थी मैक्स से। तो चलो बहुत बक बक कर लिया, अभी दिखाती हूँ। खुशी होती है ना, माई का बर्थडे होता है मैं खुश होती हूँ, मेरा बर्थडे होता है मैं खुश होती हूँ, महिंद्रा का बर्थडे होता है मैं खुश होती हूँ, एनिवर्सरी होता है मैं खुश होती हूँ। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे ही होती है हमेशा। चलो चलते हैं। एंड ये देखो टेंट हाउस ऐसे बांधा था मैंने, ऐसे रखा हुआ था। किसने मुझे पूछा ये जो झूला है ना, कि इसको कैसे मैंने प्लेस किया यहाँ पे, तो मैंने यार मैंने इसको ऐसे ही रख दिया। देखो कोई ऑप्शन से टंगाया ही नहीं मैंने इसका, जो उसका एक लोहे का नहीं आता ग्रिल वाला आता है, उसको मैंने लगाया ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था, तो ऐसे ही रख दिया, बैठ जाते हो जाता है। चलो प्लान दिखाती हूँ। पहला तो ये है, पहले तो ये एक वाला ले आए थे हम लोग, तो ये अभी थोड़ा सा ठीक है। किसी ने मुझे बोला था इसको ना बाहर रख लो तो अच्छा होगा, एंड थैंक यू सो मच, आपका आइडिया काम आ रहा है। एंड वो वाला जो पत्ता था जो ख़राब हो रहा था उसको भी मैंने निकाल लिया, थैंक यू यार इतना अच्छा अच्छा आइडिया के लिए, मुझे पता नहीं था उतना। एंड ये वाला अभी आया है एंड महिंद्रा ने किया है ऑर्डर, बाकी कुछ कुछ फूल का किया है उन्होंने, उनको ये बड़ा पसंद है इसी के लिए उन्होंने मंगवा लिया, बोलते इतना अच्छा लगता है देखने के लिए, पता नहीं। चलो तो चलिए शुरू करते हैं केक बनाना। सब कुछ मैंने यहाँ पर रेडी करके रख दिया है, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने ले लिया है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पाउडर शुगर लिया है। शुगर को आपको बस ग्राइंड कर लेना है घर पे ही, कोई बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है बटर, आप चाहो तो 1/4 कप ना रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हो। एंड मैंने 1 कप यहाँ पे मिल्क लिया है, कोई रूम टेम्परेचर पे लिया है, ना गर्म ना ठंडा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया है 1.5 कप मैदा। ये सारे इन्ग्रीडियंट्स आपके घर पर ही होंगे, मैंने बहुत बार पहले भी शेयर किया था आपके साथ, बहुत ही ईजी होता है। माइक्रोवेव अगर नहीं भी है ना तो भी कुकर से थोड़ा सा आराम से बन जाता है। 1.5 कप मैदा में मैंने 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा यूज़ किया है। एंड उसको क्या किया है, अच्छे तरीके से वो जो मिक्स है ना उसमें मैं मिक्स कर लूँगी। एंड मिक्स करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना कि ज़्यादा पानी ऐड मत करना, या फिर ज़्यादा लम्ब्स की तरह मत इसको बनाना। अगर इस वक्त आपको थोड़ा सा और मिल्क ऐड करने की ज़रूरत पड़े ना तो आप इसको ऐड कर लेना। एंड इसको अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना, क्योंकि जितना आप लोग इसको अच्छे से मिक्स करोगे आपका केक उतना अच्छा बनेगा। एंड इसको मिक्स करने के बाद अभी मैं ऐड करूँगी यहाँ पर 1 स्पून वनीला एसेंस ऐड करूँगी। अगर आपके पास नहीं है वनीला एसेंस तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर है तो 1 स्पून यहाँ पे ऐड कर लेना।
उसको मिक्स उसको ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लिया। एंड अभी मैं क्या करूँगी, वही सेम बैटर को दो बाउल में डिवाइड कर लूँगी। एक को क्या करूँगी मैं प्लेन उसी तरीके से रखूँगी जैसे एक वाइट कलर आएगा, एंड जो दूसरा वाला बैटर रहेगा ना एक और दूसरे बाउल में, उसमें मैं क्या करूँगी ब्राउन शेड लाने के लिए कोको पाउडर मैं इसमें ऐड करूँगी 3 स्पून। एंड यहाँ पे मेरा छोटा सा स्पून है इसी के लिए 3 स्पून ऐड कर रही हूँ, नहीं तो बड़े स्पून में अगर आप 2 स्पून ऐड करोगे तो भी ठीक है। एंड उसको ऐड करके मैं क्या करूँगी अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो अभी हमारे पास क्या हो गया, दो कलर का आ गया है, इन दोनों को मिक्स करके बनाएंगे। एंड यस, मेरा ये जो मोल्ड है ना बहुत छोटा सा है, मैं बड़ा वाला ढूंढ रही थी यहाँ पर नहीं मिला मुझे। अगर बड़ा वाला है आपके पास मोल्ड तो बहुत ही अच्छा रहेगा ऐसे दोनों कलर मिक्स करके बनाते टाइम। मेरा थोड़ा सा छोटा है इसी के लिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एक के ऊपर एक कलर ऐड करते जाना है एंड ये ऑटोमेटिकली खुद से ही स्प्रेड होगा, आपको इसको स्प्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो आप इस पर पोर करोगे ऐसे, इसमें ये जो वाइट कलर का है पैटर डालोगे एंड ये ऑटोमेटिकली चारों तरफ अपना स्प्रेड होते जाएगा। देखने टाइम भी ना बड़ा मज़ा आता है इसको बनाने के लिए। तो इसी के लिए मैं बोलती हूँ आपको, अगर मोल्ड थोड़ा सा बड़ा वाला है भी ना राउंड शेप का तो और ज़्यादा खिल के आएगा, अच्छे से आएगा। क्या करें अभी नहीं मिला मुझे लॉकडाउन के चलते, चलो कोई बात नहीं जो है उसी से चलाते हैं काम। तो उससे पहले मैंने वो बाउल को ना थोड़ा सा अच्छी तरीके से ग्रीस कर लिया है, बटर या फिर ऑयल कुछ भी ले लो ग्रीस कर लो बस। एंड देखो यहाँ पे लेयर कर लिया, थोड़ा सा डैप कर लो, अगर कुछ एयर बबल्स रह गए हों तो ऊपर आ जाएंगे। एंड जब तक ये वाला हो गया मेरा रेडी, उसको उसके बाद क्या करना है, कोई भी टूथपिक लेना या फिर कोई भी ऐसे स्पून ले लेना, लेके आपको क्या करना है ऊपर ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करना है, फिर नीचे से ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करना है। तो मेनली ये क्या है ना कि एक डिज़ाइन की तरह आपका बनेगा, देखते टाइम कितना मज़ा आ रहा है ना, बनाते टाइम भी इसको ना बहुत मज़ा आएगा आपको, ट्रस्ट मी। एंड जब तक ये मेरा बन के रेडी हो गया है, मैं अभी क्या किया है, मैंने साइड बाय साइड मैंने कुकर को ना उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। एंड ये वाला पहले जब मैंने एक बार केक बनाया था ना वही नमक था। अगर बहुत लोग बोलते हैं कुकर ख़राब हो जाता है तो नमक ऐड कर लो आप लोग अगर आपको लगता है, तो मेरा कुकर ख़राब नहीं हुआ, मैंने बहुत बार इसी में बनाया है। तो रूम थोड़ा सा अवन थोड़ा सा अवन बोलो सॉरी कुकर थोड़ा सा वैसे हमारे लिए तो अवन ही है, कुकर गर्म होने के बाद इसको मैंने हाँ मीडियम टेम्परेचर में 30 to 40 minutes यहाँ पे कुक किया है। एंड उसके बाद देखो यहाँ पे लेयर, मैं इतना छोटा सा पीस इसी के लिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये वाला लास्ट में मैं दिखा रही हूँ। एंड जब तक ये वाला केक शायद कट होता तब तक इस केक खा चुके थे सब लोग, मैंने दूसरा केक बनाया जो कि मैं बाद में आपको दिखाती हूँ। तो बारिश हो रही है यार, अभी तो धूप हो रहा था यार, गॉड। एंड बारिश भी हो रहा है एंड माही सो रही है। माही अगर अभी होती ना केक करते टाइम, आज सो गई थी, आज होती तो बोलती मम्मा मुझे तो मैं मिक्स करो। यही होता है ना, बच्चे जब होते हैं तब हमको बोलते हैं नहीं 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 रुक जाओ मुझे करने दो मत करो। नहीं जब वो सो जाते या फिर उस जगह पे नहीं होते तो उनकी याद आती है फिर के यार देखो अगर वो होती ना अभी यहाँ पे अगर जगी हुई होती तो बोलती मम्मा मुझे तो मैं मिक्स करूंगी। अरे है हैप्पी बर्थडे मिस्टर महेंद्र त्रिपाठी का। हेलो सर प्लीज कुछ बोलो। हाय, थोड़ा जोर से बोलिए। थैंक यू फॉर एडवांस विशेस। हाँ 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 यार, सब लोग बोलते हैं आप कुछ बोलते ही नहीं हो। मोना जी जो कुछ बोलते नहीं है, मोना महेंद्र को जो बात नहीं करते, मोना इतना साइलेंट क्यों रहता है, ये ऐसे ही है, बोल दो। अब तो मेरा मुंडी आधा कटा हुआ है क्या? अच्छा सॉरी, मुंडी आधा कटा हुआ है। बोलो। मैं बात करता हूँ हमेशा, जब जरूरत पड़ता है तब। कब बात करते हो? वही बोला ना, जब जरूरत पड़ता है तब। कभी बात नहीं करते यार, ये घर पे ही बात करते, वो भी बहुत मुश्किल से। अगर इनको शायद मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली इनकी बीवी होती तो शायद हम लोग अकाउंटिंग की बात करते रहते दिन भर के, मेरा अकाउंट में इतना है मेरा अकाउंट में। अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओके सॉरी। तो महेंद्र को ना एक चीज़ बहुत डाउट है कि वो लोग फुसफुसा कर कुछ बोल देंगे एंड वो कैमरा में कैप्चर नहीं होगा। केक बनाया, मैंने सोचा मैं सरप्राइज करूंगी, सरप्राइज रात की 12 बजे सब में पानी ऐसे यूं फिर गया जैसे पानी फिरते हैं ना, वैसे ही हो गया। क्यों हो गया? इन महान 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 आदमी के चलते हुआ। मैंने क्या किया अभी यार, मैंने केक बनाया। अगर इंसान को पता चलता भी है तो फिर ये बोलना चाहिए कि अच्छा ऐसे जैसे मैं केक लाऊं तो अगर पता चल गया पहले से सरप्राइज देने वाले तो चुप रह जाऊं ना, फिर 12 बजे मैं आके बोलती कि सरप्राइज, फिर बोलते सो क्यूट, फिर बोले
क्या केक बनाएगी घर पे? हो गया खत्म बात, क्यों केक बनेगा? बर्थडे। इतना लंबा चौड़ा बात करने के बाद बर्थडे केक। यार ये मेरे से बात करते हैं, ये मत सोचो कि मेरे से ही बात नहीं करते, ये कैमरे में बहुत कम बात करते हैं, इनकी क्या है, क्या आदत है? कटिंग मुंडिया। अच्छा सॉरी सॉरी, बोलो। आदत से मत रही, क्या करूं ओ लेडीज। तो और देखते हैं 12 बजे क्या करेंगे। मैं लोग भी पता चल ना कितना अपने को फोकस कर दिया है। तो महेंद्र का ना बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कि उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने में, वो मैं ही हूँ जो इनका बर्थडे सेलिब्रेट करने में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखती हूँ, नहीं तो बिल्कुल नहीं होता उनको। हाँ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने का उनको इंटरेस्ट होता है, फिर माही का बर्थडे सेलिब्रेट करने का इंटरेस्ट होता है। अगले महीने आ रहा है माही का बर्थडे, माही का बर्थडे भी क्या करेंगे इस बार देखते हैं क्या कर सकते हैं, अभी तो लॉकडाउन है, आ जाएगा माइक्रोवेव। अच्छा मतलब महेंद्र गिफ्ट, बर्थडे इनका गिफ्ट मिला मुझे माइक्रोवेव। कब तक आएगा? जब सब डिलीवरी होगा। यार ये कब से मेरे को माइक्रोवेव लेके देने वाले थे, मैं बोलती माइक्रोवेव ला दो लेकिन आई ना, नहीं आ नहीं रहा था डिलीवरी कुछ। बर्थडे हस्बैंड का गिफ्ट मिला वाइफ को, देखो ऐसे ही होना चाहिए सारे पतियों को। अच्छा कुछ न, कुछ मैसेज कर दो पतियों को कुछ। यार हाँ मैं मैसेज करो, बोलो सबको कुछ बोलो। फैमिली का ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें, बाहर मत जाइए, मास्क मास्क पहन के जाइए, और अच्छा टाइम मिल रहा है, टाइम स्पेंड कीजिए फैमिली के साथ, बस। सारे पत्नियों को कुछ बोल दो, सारे पत्नियों को कुछ। आप का जो मर्जी वो करें, मैं क्या बोल सकता। अच्छा अभी हो रहा है टाइम 11, ओके 12 बजने को बस सिर्फ 10 मिनट बाकी है। क्या वो पता है मुझे दोबारा सा केक बनाना पड़ा, एक तो महेंद्र को पता चल गया एंड उसमें से बस इतना सा केक बचा हुआ है, इतना छोटू सा आधा सा पीस बचा है, बाकी सब फिनिश कर दिया जो मैंने लेयर करके बनाया था। माही को पता चल गया मैंने केक बनाया एंड बच्चे भी आए थे नीचे से, तो मांगा तो क्या करें, अभी मना नहीं कर सकते, तो मैं तुरंत दोबारा से थोड़ा सा बैटर बचा था तो थोड़ा सा दोबारा सा मैंने ये बनाया चॉकलेट का। लकी रही माही का जेम्स में सिर्फ और सिर्फ 3-4-5-6 जेम्स बचे थे, जिससे मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर किया कि चलो लगे केक में कुछ मेहनत किया है चॉकलेट सिरप डाल के, कैसा लग रहा है मुझे बताओ एंड कमेंट करो। अच्छा नहीं भी लग रहा है तो लाइक कर दो यार, दो दो केक बना दिया मेहनत करके, ये वाला बड़ा अच्छा बना था यार, पता है जो डिजाइन करके मैंने बनाया था ना। चलो कोई बात नहीं, टेस्ट किया वैसे महेंद्र ने, पर उनको ये केक का पता नहीं है, ठीक है क्या मैंने दोबारा से बना दिया। चलो चलते हैं, चलो विश करते, मैं कितनी एक्साइटेड लग रही हूँ ना, हाँ मैं हो जाती हूँ। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू। आओ तो केक बना ली, वाओ। चलो चलो चलो, हैप्पी बर्थडे बोलगी, हां तो और कभी भी इसको लग रहा है इसका हैप्पी बर्थडे माई का। चलो बेटे तौर पर टेकेट है माई गेट आप, ये देखो माई का डेकोरेशन, उसको यही पिल्लो लगाना है, छोड़ना नहीं है इसको बाबा। तो आए सारी हैप्पी बर्थडे माही, हैप्पी बर्थडे माही, हैप्पी बर्थडे बाबा एंड माही बोथ विल कट, ओके कम कम माई का कम कम, ये प्रिटी गर्ल रोते नहीं, गुड्डू गेट अप माई का, चलो बाबा एंड माही दोनों मिलके करेंगे ठीक है, झगड़ा होता है। थैंक यू एवरीवन, कितने विश ही नहीं किया यार अभी तक, थोड़े ना बाद में ब्लॉग में विश करेंगे, अभी थोड़े ना विश किया यार, ये बड़े भोले पति हैं।
थैंक यू इन एडवांस। आओ 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 किचन, कैसा लगा मेरे सरप्राइज? जो कि सरप्राइज रहने नहीं दिया था, बट फाइनली मैंने एक बनाने का कोशिश किया। अच्छा था सरप्राइज। और लॉकडाउन में क्या हो सकता है, यही बेस्ट है। Like so much.